Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the meaning and definitions of Managerial Economics. यानी कि आज के लेक्चर में हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट, उसके मीनिंग और उसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इट इज मेड ऑफ टू वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड इज द मैनेजरियल प्लस सेकेंड वर्ड इज द इकोनॉमिक्स. मैनेजरियल वर्ड का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर मैनेजर अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है तो इसके लिए ये अपनी मैनेजरियल स्किल्स का यूज करता है. और इकोनॉमिक्स का मतलब होगा कि इसके लिए ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक टूल्स, प्रोसीजर्स, टेक्निक्स का यूज करता है. यानी कि जब हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब हुआ इट इज दैट डिसिप्लिन दैट यूजेस डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स. यानी कि बिजनेस के रिलेशन में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इकोनॉमिक्स की फील्ड से डिफरेंट टाइप के टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हैं और उसके बेसिस पर बिजनेस की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमम वे में सॉल्व करते हैं तो इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है. इकोनॉमिक थ्योरीज एंड टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस आर अप्लाइड टू एनालाइज बिजनेस प्रॉब्लम्स, evaluate business options and opportunity with a view to arriving at a proper solution. यानी कि जब हम economic theories का या economic techniques का जब use करते हैं तो ये होता है economic analysis. यानी कि economic analysis के basis पर हम क्या करते हैं, business problem को properly analyze करते हैं और इस बिजनेस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद जो बिजनेस ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उनको सर्च करते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं और अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उस अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हुए बिजनेस के प्रॉब्लम के रेफरेंस में एक प्रॉपर सॉल्यूशन को भी अचीव कर लेते हैं. इट मीन्स दैट वी कैन से दैट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक नॉलेज, logic, theories and analytical tools that are used for rational business decision making. यानी कि managerial economics का मतलब हुआ economic knowledge, logic, theories और analytical tools का वो particular part की study जिसके basis पर rational business decision making को follow किया जाता है. क्लियर? यानी कि जब एक बिजनेस मैनेजर को अपने बिजनेस प्रॉब्लम के रिलेशन में रेशनल डिसीजन मेकिंग को फाइनलाइज करना होता है तो उसके लिए ये क्या करता है, इकोनॉमिक नॉलेज, इकोनॉमिक लॉजिक्स, इकोनॉमिक थ्योरीज या इकोनॉमिक एनालिटिकल टूल्स के जिस पर्टिकुलर पार्ट का यूज करता है उसे हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं. ठीक, नाउ we will discuss about some of the definition of managerial economics. Managerial economics regarding कुछ particular definitions provided है. क्या क्या है ये definitions? Just have a look over these definitions. The first one is according to Douglas. Douglas के according managerial economics is concerned with the application of economic principles and methodologies to the decision making process within the firm or organization. यानी कि डाउलस के अकॉर्डिंग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और मेथोलॉजीज की एप्लीकेशंस का यूज करते हैं और इन एप्लीकेशंस के यूज के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन में फर्म के रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो हम इसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं. ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू डेविस एंड चेंग. डेविस एंड चेंग के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अप्लाइज द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स टू एनालाइज प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन एंड टू हेल्प फाइंड सॉल्यूशंस दैट एडवांस द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस.
डेविस एंड चैंग के अकॉर्डिंग मैनेजर इकोनॉमिक्स से करती है ये, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के द्वारा फेस की जाने वाली डिफरेंट प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स को अप्लाई करती है, और इस तरीके से अप्लाई करती है जिससे कि इस पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम का एक एडवांस एंड प्रॉपर सॉल्यूशन सर्च किया सके जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में वर्क करे और उसको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो हम ऐसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन या फील्ड को मैनेजरल इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू हेन्स। हेन्स के अकॉर्डिंग मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स अप्लाइड इन डिसीजन मेकिंग। इट इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी एंड मैनेजरियल प्रैक्टिस। यानी कि इन्होंने मैनेजरल इकोनॉमिक्स को डिसीजन मेकिंग में अप्लाइड इकोनॉमिक्स के नाम से कॉल किया। यानी कि जब हम डिसीजन मेकिंग में इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं तो एक नया डिसिप्लिन क्रिएट होता है जिसका नाम होता है मैनेजर इकोनॉमिक्स। हेंस के अकॉर्डिंग ये इकोनॉमिक्स की वो स्पेशल ब्रांच होती है जहां एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी और मैनेजरल प्रैक्टिस के बीच के गैप को कंप्लीट किया जाता है। यानी कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी और मैनेजरल प्रैक्टिसेस के बीच में एक ब्रिज का काम करता है और मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पर सॉल्व करता है। ठीक, तो इस फील्ड को हेन्स ने मैनेजर इकोनॉमिक्स का नाम दिया। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू मैंसफील्ड। मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड इकोनॉमिक एनालिसिस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग रेशनल मैनेजरियल डिसीजंस। यानी कि इन्होंने भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स और इकोनॉमिक एनालिसिस की एप्लीकेशन को जब बिजनेस के प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन और उसके सॉल्यूशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो जो नया डिसिप्लिन क्रिएट होता है इसके उन्होंने मैनेजरल इकोनॉमिक्स का नाम दिया। ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर रेशनल वे में अपने मैनेजरल डिसीजंस को फॉर्मुलेट करना है तो जो प्रॉब्लम्स उसके द्वारा फेस की जा रही हैं उसके रिगार्डिंग जो उसको एक प्रॉपर डिसीजन फाइनलाइज करना है, फॉर्मुलेट करना है, तो इसके रेफरेंस में उसकी तरफ से जो भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स और इकोनॉमिक एनालिसिस को अप्लाई किया जाता है उसे हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू स्पेंसर। स्पेंसर ने क्या कहा इसके बारे में, बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाय मैनेजमेंट। यानी कि स्पेंसर के अकॉर्डिंग जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है या मैनेजर इकोनॉमिक्स है वो एक ही पॉइंट है, वो एक ही डिसिप्लिन है। इसका मतलब होता है जब हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन मेकिंग को और फॉरवर्ड प्लानिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं किसी भी बिजनेस प्रैक्टिस के रेफरेंस में, और उसके लिए जब हम इकोनॉमिक थ्योरीज को इसके साथ में इंटीग्रेट कर देते हैं तो जो नया डिसिप्लिन क्रिएट होता है उसे बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरल इकोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है। क्लियर हुआ डेफिनेशन? ठीक है, ऐसे ही लास्ट डेफिनेशन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके रेफरेंस में, दैट वॉज गिवन बाय द मैकनियर। तो मैकनियर के अकॉर्डिंग मैनेजरल इकोनॉमिक्स कंसिस्ट्स ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक मोड्स ऑफ थॉट टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशंस। यानी कि इनके अकॉर्डिंग बिजनेस सिचुएशंस को एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बिजनेस मैनेजर्स के द्वारा डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक मोड्स के रिलेशन में थॉट को यूज किया जाता है तो उसे मैनेजरल इकोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट डेफिनेशंस इन रेफरेंस टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स। मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज दैट डिसिप्लिन विच हेल्प्स अ बिजनेस मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग फॉर अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट बाय यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड टूल्स। जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और टूल्स का यूज करते हैं, और इनका यूज करते हुए एक बिजनेस मैनेजर अपनी
बिजनेस के रिलेशन में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग अपने डिसीजन को फाइनलाइज करता है और एक प्रॉपर सॉल्यूशन को अचीव करता है, जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम मैनेजर इकोनॉमिक्स के नेचर के रिलेशन में कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द एमई इज अ साइंस। साइंस का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि जो साइंस है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को प्रॉपरली डिफाइन करती है। ये एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे पर बेस्ड होती है, जिसमें प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को सर्च किया जाता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाता है और उसके बाद जो भी इवेंट्स अकर हो रही हैं उनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को सेट किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। सेम इज द नेचर ऑफ द मैनेजर इकोनॉमिक्स। मैनेजर इकोनॉमिक्स में भी डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है और फिर इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स के बेसिस पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इनके बीच में एस्टेब्लिश किया जाता है और इसके बेसिस पर एक प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। इसी वजह से वी कैन से दैट एमई इज लाइक अ साइंस। सेकेंड नेचर, एमई इज एन आर्ट। व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ आर्ट? आर्ट का बेसिक फीचर होता है कि ये रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल और एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करती है। जो भी आपके पास लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं उसका भी ये जो मैनेजर इकोनॉमिक्स है ये बेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पॉसिबल करती है और इसके रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की टूल्स, टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स को फॉर्म करती है। इसी वजह से हम एमई को आर्ट की तरह कह सकते हैं। वी कैन से दैट एमई इज एन आर्ट, क्योंकि ये रिसोर्सेज को एफिशिएंट और बेस्ट वे में यूटिलाइज करती है और एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रॉब्लम का प्रोवाइड करती है। ठीक, नेक्स्ट वन, दैट इज एमई यूजेस द माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। जैसा कि हमने स्टडी किया हुआ होगा इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक तो होती है माइक्रो इकोनॉमिक और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है जब हम इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक ब्रांच का यूज करते हैं इकोनॉमिक्स की। और जब हम एग्रीगेट लेवल पर यानी टोटल के बेसिस पर बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जैसे इंडस्ट्री के रिलेशन में, इकोनॉमी के रिलेशन में जो उसका बिहेवियर है उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक ब्रांच का यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स की। मैनेजर इकोनॉमिक्स में क्योंकि हम एक पर्टिकुलर बिजनेस फर्म की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, इसी वजह से ये क्या करती है, जो मैनेजर इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक ब्रांच का यूज़ करती है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक फील्ड के बेसिस पर जो भी प्रिंसिपल्स या थ्योरीज डेवलप की गई हैं उनका यूज़ किया जाता है बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से जो एमई है वो माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करती है, ये इसका हो गया थर्ड नेचर। एंड द लास्ट नेचर ऑफ एमई इज दैट इट इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस। एक्चुअली साइंस में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो पॉजिटिव साइंस होता है और दूसरा होता है नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या होता है, जो सिचुएशन जिस तरीके से है उसको जब स्टडी किया जाता है कि वाई दिस पर्टिकुलर सिचुएशन और फिनोमेना इज अकरिंग, तो हम इसे बोलते हैं पॉजिटिव साइंस। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट ऑट टू बी, यानी कि दी हुई प्रॉब्लम का क्या नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, जब हम इस डायरेक्शन में अपनी वर्किंग को फॉलो करते हैं तो हम इसे बोलते हैं नॉर्मेटिव साइंस। तो इसका मतलब जो एमई है, एमई भी क्या करती है, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम के रेफरेंस में उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और जब हम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो हम इसको नॉर्मेटिव साइंस का नाम देते हैं। दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ एमई इज लाइक अ नॉर्मेटिव साइंस। तो इस तरीके से जो उसका नेचर आया, एमई इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, यूजेस द माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड इट इज अ नॉर्मेटिव साइंस। ओके, थैंक यू।